नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका जो सरपे चौधरी एसएस वीडियो ट्यूटोरियल में एक नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों से मैं माफी चाहूंगा कि इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। थोड़ा बिजी शेड्यूल हो रहा था, सीटीएसई एग्जाम को लेकर, रिटर्न एग्जाम को लेकर, तो उसी सिलसिले में मैं जरा वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। थोड़ा कोचिंग वगैरह भी देना था, ऑनलाइन भी देखना था, ऑफलाइन भी देखना था, तो शेड्यूल मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया था, तो वीडियोज नहीं अपलोड कर पा रहा था। ठीक है दोस्तों, आप जो है वो अब फ्री हूं मैं, तो अब वीडियोज आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपकी नाराजगी दूर करने के लिए सबसे पहले बात, जो मेन टॉपिक है एसएसबी के ऊपर, उसके लिए मैं वीडियो सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आएंगी स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो हम से सब लोग क्या कहते हैं कि यार सर मैं स्क्रीन एसएसबी देने गया था पर स्क्रीन आउट हो गया, मेरा कजन गया था वो भी स्क्रीन आउट हो गया, मेरा फ्रेंड गया था वो भी स्क्रीन आउट हुआ। तो मैं जब भी देखता हूँ कोई एसएसबी में जाता है वो स्क्रीन आउट हो जाता है, तो एसएसबी में स्क्रीनिंग में चाहिए क्या? सब लोगों को पता है स्क्रीनिंग होना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है ये किसी को नहीं पता कि चाहिए क्या, तो उसको लेकर आज वीडियो बनाऊंगा मैं। तो सब लोग इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, वेरिएबल्स बिल्कुल क्लियर अप कर दूंगा आपको कि चाहिए क्या स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज होगी उसके अंदर आपको सोल्यूशन दूंगा कि आपने सोल्यूशन पीपीटी में स्टोरेज नरेशन ये सब कैसे करना। अब बात आएगी पहले चाहिए क्या, पहले वो तो समझ लें हम कि हमें स्क्रीनिंग में चाहिए क्या उन एसएसएस को। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे आप। उससे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा, जिन लोगों ने मेरा अभी तक फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है वो लाइक कर सकते हैं, एसएसबी गाइड मेरे फेसबुक पेज का नाम है। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है सोशल नेटवर्किंग का, तो आप उसके ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं एसएसबी गाइड बाय अर्पित चौधरी के नाम से। आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के, तो आप वो चीजें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग में होता क्या क्या है। स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को पता है उनका ठीक है, पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। दो टेस्ट होते हैं, एक होता है ओआईआर टेस्ट और एक होता है पीपीटी राउंड। ठीक है, ओआईआर टेस्ट में हमारा क्या होता है, दो राउंड होते हैं, दो टेस्ट होते हैं रादर, एक होता है हमारा वर्बल टेस्ट, एक होता है नॉन वर्बल टेस्ट। दोनों रिटर्न होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, बबल वाले होंगे, जो बबल करना होता है, जो ज़्यादातर यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, वैसे ही होंगे सेम। नो नेगेटिव मार्किंग होगी उसके अंदर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आप सारा अटेम्प्ट करें चाहे थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हैं। अब बात आती है ओईआर की रेटिंग की। ओईआर की रेटिंग होती है 1 से लेकर 5 तक, कंबाइंड रेटिंग होती है दोनों एग्जाम की, एक होता है वर्बल एक होता है नॉन वर्बल, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं चाहिए। जो रेटिंग जिनकी 1, 2, 3 होते हैं, किसी को इंसान को नहीं पता होगा कि सिर्फ यही एंटरटेन होते हैं एसएसबी में, इन्हीं का ही जीडी और नरेशन चेक होता है। जिनकी 4 और 5 रेटिंग होती है ना, 1 होती है हाईएस्ट रेटिंग दोस्तों, हाईएस्ट, और ये होती है लोएस्ट 5। थोड़ा राइटिंग का माफ करना, ठीक है, 4 और 5, जिनकी 4 और 5 रेटिंग है ना उनका तो कभी नरेशन और जीडी चेक ही नहीं होता, वो तो बाहर है, ये बात ध्यान रखना। जिनकी रेटिंग ओआईआर में कम है 4 और 5, जिनकी रेटिंग 1, 2 या 3 है सिर्फ उनका ही जीडी और नरेशन चेक होता है। ठीक है, अब 1 हाईएस्ट होती है, 2nd, 3rd ये डाउटफुल केस होता है, इनका जीडी और नरेशन ज्यादा अच्छे से चेक होता है। अब बात करते हैं पीपीटी की, स्टोरीज कैसे लिखते हैं, मतलब चाहिए क्या स्टोरीज में, एसएसएस क्या चेक करते हैं वो बात करते हैं, स्टोरीज कैसे लिखेंगे ये आने वाली वीडियोस में हम चेक करेंगे। अब बात आती है एसएसएस को चाहिए क्या, एसएसएस सबसे पहले देखता है क्या स्टोरी रियलिस्टिक है या नहीं। ज्यादातर कैंडिडेट्स सुपर हीरो वाली स्टोरी लिखते हैं, पहले दिन बाहर हो जाते हैं, या स्टोरी लिखते हैं आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, एक ऑफिसर था उसने ऐसे ऐसे किया, जंग लड़ी, शहीद हो गया, उसके बाद उसको मेडल मिला उसके बच्चे को या उसकी वाइफ को, तो वो बात गलत है। आपको वहां पर शो ऑफ करने के लिए नहीं बिठाए गए, नेचुरली आपने एक्ट करना है, मैच्योरली आपने एक्ट करना है। ठीक है, सुपर हीरो वाली स्टोरीज नहीं चलेंगी यहाँ पर। कई लोग क्या करते हैं, हम वीडियो स्टोरीज के अंदर हम अपनी शेर को भी मार देते हैं, सुपर हीरो बना देते हैं उसको, कैंडिडेट को शेर को मार दिया भाई हमने, या फिर टाइगर को मार दिया, या ब्लू व्हेल को अंदर पानी में जाके मार दिया, वो तंग कर रहा था। ठीक है, ये सब चीजें नहीं, ऐसी स्टोरीज नहीं चलेंगी यार। या फिर हमने डाकुओं से बचा लिया उनको, या चोरी हो रही थी चोर को पकड़ लिया काफी, तो ये सब चीजें नहीं यार। मैच्योरली एक्ट करना है, ये कैसी स्टोरीज लिख रहे हो आप? आपको लगता है ऐसी स्टोरीज लिखने के बाद आप हो जाओगे स्क्रीनिंग? नहीं, थोड़ी इंफॉर्मेटिव चलेगी वहां पर स्टोरी, कुछ प्रॉब्लम होगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, फिर वो इन्फॉर्मेशन कैसी है, मैच्योरली आपने एक्ट किया है नहीं किया, जॉब प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। जॉब प्लेटफॉर्म का मतलब है आपने उस इंसान को वो
वो उसके पास प्लेटफॉर्म है भी कि या वो आपकी मदद कर सकता है या वो ये काम कर सकता है, ये आने वाले वीडियो में हम चेक करेंगे सोल्यूशन पे। पर अभी हमने देखना है कि यार फिर उसके बाद जीडी चेक होता है, जब जीडी में ऐसे देखते हैं कि आप लड़ाई तो नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज के पीछे लड़ रहे हो तो आप कभी स्क्रीनिंग नहीं हो पाओगे। हम किसी एज किसी भी इंसान की डायरेक्ट एज नहीं बता सकते, एक रेंज दे सकते हैं। वो रेंज अगर आपने दिया तो ठीक है, जेंडर के ऊपर लड़ाई तो नहीं कर रहे हो, नरेशन आपकी कैसी थी, फ्लम्बर तो नहीं कर रहे हो, स्टोरी से डेविएट तो नहीं हो गए अपनी, ठीक है, स्टोरी अनरियलिस्टिक है तो पहले ही फिर तो खत्म काम, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता स्क्रीनिंग में, चाहे वो टेक्निकल एंट्रीज हो, चाहे सीडीएस एग्जाम हो या रिटर्न एनडीए एग्जाम हो, एफकैट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। लोगों में एक दिमाग में मिथ बन गया है कि यार अगर हम एसएसबी में जाएंगे तो हम स्क्रीन आउट हो जाएंगे, या इलाहाबाद में जाएंगे तो पहले दिन ही बाहर हो जाएंगे, भोपाल में जाएंगे पहले दिन ही बाहर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग एसएसबी अटेम्प्ट कर चुके हैं उन्हें पता है कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही होता है सब कुछ। रिटर्न एग्जाम की बात कर रहा हूँ, हाँ टेक्निकल एंट्रीज में मान सकता हूँ थोड़ा बहुत केस लक का भी होता है, क्योंकि कैंडिडेट इतने सारे आते हैं, उस समय अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलता वहाँ पर। रिटर्न एग्जाम में कैंडिडेट पूरी अच्छी तरह से चेक होता है, क्योंकि कैंडिडेट की रेशो कम होती है, 50-60 बच्चे आए या 30-40 बच्चे आए, उनको आराम से चेक किया, जिनकी पर्सनैलिटी वॉयडेबल लगी उनको बाहर किया, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी वो स्क्रीन इन हो गए। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। जीडी के ऊपर कभी लड़ाई नहीं करनी, आप फर्स्ट 3 स्पीकर्स में हो कि नहीं हो, असेसर ये चेक करता है, आपने इनिशिएट किया नहीं किया, पॉइंट्स बोले नहीं बोले, पॉइंट्स बोले तो वैल्यूएबल बोले या नहीं, स्टोरी से रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक है। जब कोई सामने से इंसान बोल रहा है तो आप उसकी बात काट रहे हो या बात सुन रहे हो, ये सब चीज़ें चेक होती है, ठीक है। और आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आपने असेसर्स को स्टोरी नरेट करी है, कैंडिडेट्स को स्टोरी नरेट करी है, वहाँ पर कैंडिडेट को स्टोरी नरेट करनी होती है। कई लोग क्या करते हैं, असेसर से 1-to-1 कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनको स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि असेसर बताता है कि आपको स्टोरी नरेशन और जीडी ग्रुप के साथ करना है। और जब लास्ट कैंडिडेट स्टॉप करता है तो जीडी ऑटोमेटिकली स्टार्ट कौन करता है, ये सब चीज़ें नोट होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो लोग करते हैं वो स्क्रीन हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, और स्क्रीन आउट होने के बाद फिर एसएसबी की गलती निकालते हैं, अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हमने ये सब चीज़ें नहीं करी, वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो ऐसा होता है, रूमर्स फैलाते हैं, तो फिर ये गड़बड़ी जो एसएसबी को लेके है वो सब कैंडिडेट्स के अंदर आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को समझो, ठीक है। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, एसएसबी गाइड उसके ऊपर काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वो पेज लाइक कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, SSB गाइड बाय पे चौधरी मेरे इंस्टाग्राम का नाम है, तो आप उधर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।